झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। खासकर सोने के दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों भी बिरसा चौक स्थित एक दुकान पर लूट की गई थी, साथ ही गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। इसे लेकर आज सोना चांदी व्यवसायी संघ के द्वारा रांची के तमाम जेवरात के दुकानों को बंद कर प्रदर्शन किया गया। मौके पर जायजा लिया रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ राय ने। अपराधियों की गिरफ्तारी हो। लगातार राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और व्यवसायी जो समाज है इसको अपराधी लोग अपना टारगेट बना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यही कि हमारे झारखंड में कानून व्यवस्था सभी बुरी तरह से गड़बड़ा गया है, कानून पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और इसी कारण अपराधी बढ़ते जा रहा है। आज आप लोग आक्रोश व्यक्त करते हुए दुकान भी बंद रखे हैं? हाँ, हमारे सभी दुकानदार भाई प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, इसी कारण जा रहा है। जिसका आज यह अंजाम है कि राजधानी रांची के लगभग सभी सोना चांदी जो दुकानें हैं, सोना चांदी विक्रेता है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दुकानों को बंद रखे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि हमारे झारखंड की राजधानी रांची में व्यवसायी क्या सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर कई लोग अपना अपना बातें भी रख रहे हैं और जो व्यवसायी संघ के लोग हैं वो अशांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग रांची के तमाम सोना चांदी व्यवसायी के दुकानों को आज बंद रखा गया है। रफ्तार मीडिया